बात करेंगे बेबी डोज कॉइन के बारे में। बेबी डोज कॉइन को लेकर कुछ अपडेट्स हैं और एक नई लिस्टिंग भी हुई है बेबी डोज की, और एक गिव अवे चल रहा है। वो सब चीज़ें आज डिस्कस करेंगे बेबी डोज की, और डिस्कस करेंगे कितने होल्डर हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेबी डोज के गिव अवे के बारे में। बेबी डोज के इस गिव अवे का फ़ायदा आप भी उठा सकते हो। टेस्ला की कार दी जा रही है इस गिव अवे में, और कैसे पार्टिसिपेट करना है आपको ऑफिशियल बेबी डोज की वेबसाइट पर पता चल जाएगा, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। और साथ के साथ बेबी डोज के जो होल्डर हैं वो बढ़ते हुए यहाँ पे 5,90,000 को क्रॉस कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि 6,00,000 अब होने में ज़्यादा टाइम नहीं है। और इस साल के एंड तक अगर कोई 1,000,000 टच करेगा, 1,000,000 से भी ऊपर जाएगा, तो वो बेबी डोज है। काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर्स हैं बेबी डोज के। रिसेंटली शिबा इनू कॉइन को क्रिप्टो कप में हरा के ये प्रूव भी कर दिया है कितने ज़्यादा सपोर्टर हैं बेबी डोज कॉइन के। तो 6,00,000 के करीब होल्डर होते हुए, और यहाँ पे कुछ अपडेट्स बेबी डोज की तरफ से आई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्टिंग, एक नई लिस्टिंग बेबी डोज कॉइन की हुई है, वो हुई है बिट ट्रू एक्सचेंज के ऊपर। बिट ट्रू एक्सचेंज के ऊपर नया लिस्ट हुआ है बेबी डोज, और USDT का पेयर अब वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और बिट ट्रू के ज़रिए भी अब ट्रेडिंग होगी बेबी डोज कॉइन के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, जितनी ज़्यादा लिस्टिंग होगी वैसे बेबी डोज आपको हर जगह मिल जाएगा। जैसे ही इलॉन मस्क का एक ट्वीट आया था उसके बाद तो काफ़ी पॉपुलर हुआ ये कॉइन, और आज इसकी सिचुएशन आप सब देख सकते हो। 6,00,000 के करीब ये होल्डर इसके हो चुके हैं, और ये वो दिन भी दूर नहीं है जब ये शिबा इनू को भी पीछे छोड़ देगा, मतलब शिबा इनू से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन एक जो बड़ा पंप जो हम देखना चाहते हैं वो बेबी डोज में नहीं आया है। भले ही पॉपुलर ये कॉइन हुआ है इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद, लेकिन अभी तक का एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला इस कॉइन में, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फ्यूचर में ये अच्छे ब्रेकआउट्स दिखा सकता है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, और एक अनाउंसमेंट ये इन्होंने किया है कि बेबी डोज डेबिट कार्ड वॉलेट एक्सचेंज एंड मोर, इस तरह की एक अपडेट आई है। और इस आने वाले टाइम में आपको डेबिट कार्ड, वॉलेट, एक्सचेंज, ये सब चीज़ें भी बेबी डोज को होते हुए देखने को मिल सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले रोड मैप में बेबी डोज को लेके जो काम है वो काफ़ी होने वाला है, और यहीं से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के एंड तक या अगले साल तक बेबी डोज अच्छा ब्रेकआउट दिखा सकता है। अभी प्राइस बेहद कम है, यही मौका है। आप कुछ थोड़े से भी इन्वेस्ट करोगे ज़्यादा कॉइन्स आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक अच्छे ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट करते हैं बेबी डोज से, क्योंकि अभी तक कोई बड़ा लेवल नहीं दिखाया बेबी डोज ने। और जिस तरह की ये क्रिप्टो करेंसी बन गई है आज के टाइम में, इसको लेवल दिखाने पड़ेंगे, और लेवल ज़रूर दिखा सकती है। तो ये कुछ अपडेट्स थी बेबी डोज को लेके, और नई लिस्टिंग हुई है, और आने वाले टाइम में भी और लिस्टिंग्स जो हैं बेबी डोज को होने वाली हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये 3-4 महीने इस साल के काफ़ी कमाल के होने वाले हैं बेबी डोज कॉइन के लिए। और अगर अभी तक आपने बेबी डोज को नहीं खरीदा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। थोड़ा सा आप अमाउंट लगा सकते हो बेबी डोज पे, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल, 1-2 साल के लिए भी होल्ड करोगे तब भी इसमें ब्रेकआउट अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी बेबी डोज को लेके कुछ अपडेट्स जो आपसे शेयर करनी ज़रूरी थी। आगे जो भी अपडेट्स रहेंगी बेबी डोज को लेके, आपको इस वीडियो में सब अपडेट्स बेबी डोज को लेके मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो।